नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो जिस प्रश्न की हम बात करने वाले हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि रवि ने कुछ धन उधार लिया जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6% वार्षिक, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक तथा इसके बाद 14% वार्षिक थी। यदि 9 वर्ष बाद उसने कुल साधारण ब्याज आरएस 11,400 दिया हो तो उसने कुल कितना धन उधार लिया। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि उसने टोटल पैसा कितना उधार लिया था। तो हमें जो पैसा पता नहीं है उसको हम पी मान लेते हैं कि उसने पी रुपया उधार लिया। अब पहले क्या है कि जिस पर ब्याज की दर पहले 2 वर्ष तक 6%, समय कितना है 2%, ब्याज की दर कितनी है 6, तो पहला साधारण ब्याज तो ये निकल आया। दूसरी कंडीशन उसने क्या कही, अगले 3 वर्ष तक 9% वार्षिक, तो पी हमारा वही रहेगा, समय 3 रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 रहेगा, भागे 100 दे देंगे तो यह ब्याज रहेगा। तीसरी कंडीशन, इसके बाद 14% वार्षिक थी, यदि 9 वर्ष बाद, यानी टोटल 9 वर्ष है तो 3 और 2 5 वर्ष तो यहाँ चले गए, तो अब कितने वर्ष बचेंगे 4 वर्ष और दर कितनी है 14 भागे 100। अब इन तीनों ब्याज को मिला के उसने कितना दिया, 11,400 रुपये ब्याज दिया। ठीक है, ठीक है, तो इन तीनों को मिला के उसने 11,400 टोटल ब्याज दिया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ 6 × 12 पी हो जाएगा, यहाँ एलसीएम 100 ले लेंगे, प्लस 9 × 3 = 27 पी हो जाएगा, और यहाँ 14 × 2 = 56, तो 56 पी हो जाएगा, बराबर में 11,400। ठीक है, 100 को उधर भेज देंगे, 56 और 27 और 12 तीनों को जोड़ेंगे तो 6 और 7 = 13, 13 × 2 = 15 की 5, आंसर लगी 1, तो 6 और 2 = 8 = 9, 95 पी बराबर हो जाएगा 11,400 गुणा में 100। अब 95 नीचे चला जाएगा तो पी बराबर 11,400 गुणे 100 भागे 95। ठीक है, अब काट देंगे, 19 से काटेंगे, 19 × 95 और 19 × 6 = 114, तो 600 ये हो जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 × 5 और 12 × 25 = 60 होता है, तो P बराबर क्या निकल के आएगा, 120 के साथ 2 जीरो लग जाएंगे, यानी टोटल राशि उसने कितनी उधार ली थी, तो टोटल उसने जो उधार लिया था वह लिया था 12,000 रुपये। ठीक है, तो 12,000 रुपये उधार लिया था जिस पे उसने कुल 9 वर्ष बाद 11,400 ब्याज दिया। ठीक है, अब इसको 100 मान के भी लगा सकते हैं, कैसे, हम भी मान लेंगे कि उसने 100 रुपये उधार लिए। ठीक, अब 100 रुपये उधार लिए तो पहले 2 साल तक 6% की दर से दिया ब्याज, यानी 6 × 12 रुपये ब्याज दिया, फिर 3 वर्ष तक 9% तो 9 × 3 = 27 दिया, फिर 4 वर्ष तक 14 के हिसाब से दिया तो 14 × 2 = 56, इसको जोड़ देंगे तो यह आएगा 95। यह क्या है, यह इंटरेस्ट है और उसने इंटरेस्ट कितना दिया 11,400, तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट का हम भाग दे देते हैं, और क्या पूछा गया है, राशि पूछी गई है तो राशि का हम गुणा कर देंगे, काट देंगे बस इसी को, 600, 5 से काटेंगे 120, तो 12,000 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 100 मान के भी लगा सकते हैं और इस मेथड से लगा सकते हैं, पहला ब्याज दूसरा ब्याज तीनों ब्याज को जोड़ दिया, बराबर 11,400 कर दिया, सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया। और ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।